हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों, जय हिंद बच्चों। बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय है, अध्याय इसमें 11 है बल तथा दाब। तो इस अध्याय के हम जो उड़ान कार्य पुस्तिका है उसके कार्य पत्रक करेंगे। और बच्चों यदि आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, यदि नहीं किया तब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। बल तथा दाब, पाठ का नाम है बल तथा दाब, ठीक है। तो इसके कार्य पत्रक है पहला हमारे पास, इसमें है जैसे जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें एक गुण होता है गति करती हैं, परंतु क्या गति से ही सजीव निर्जीव की पहचान हो सकती है? यानी जो जीवित वस्तुएं होती हैं वो गति करती हैं, हम ये कहते हैं, लेकिन क्या गति से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है? तो ये नहीं लगा सकते बच्चों। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कई निर्जीव वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जो गति करती हैं, जैसे साइकिल है, बस है, ट्रक है, कार है, तो ये निर्जीव वस्तुएं हैं लेकिन ये भी चलती हैं। तो हम गति से केवल का नहीं लगा सकते अंदाजा, ठीक है। तो इस सारणी को हमने पूरा करना है ऐसे ही। तो जो सजीव वस्तुएं हैं जैसे गति करती हैं, और गतिशील वस्तुएं जैसे शरीर में गति करती है, चलता है शरीर, ठीक है, जीव जंतु चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, हमारा शरीर में वृद्धि होती है उसे भी गति कहते हैं हम। तो इस तरह की गतियाँ होती हैं, और कई सजीव वस्तुएं ऐसी भी हैं जो गति नहीं भी करते, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो गति नहीं करते, वो एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं, स्थान नहीं बदलते वो, ठीक है। तो इस तरह से सजीव में गति हो सकती है, कई सजीव ऐसे हैं जो गति नहीं करते। ऐसे ही सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं जो गति करती हैं, जैसे साइकिल गति करती है, कार है, बस है, ट्रक है, ये चलती हैं, वायु है, ठीक है, वो भी चलती है, बादल हैं वो चलते हैं, तो ये निर्जीव हैं। लेकिन कई निर्जीव वस्तुएं ऐसी भी हैं जो, जैसे पत्थर है, पत्थर गति नहीं करता, तो निर्जीव वस्तुएं ऐसी भी हैं जो गति नहीं करती, जैसे बेड है, कुर्सी है, टेबल है, तो ये गति नहीं करते, ठीक है। तो हमने इसमें यही लिखना था, कुछ सजीवों के नाम लिखने थे जो गति करते हैं जो नहीं करते, और दूसरे में निर्जीव लिखने थे जो गति करते हैं और जो गति नहीं करते। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कार्य पत्रक है दूसरा कार्य पत्रक 2। तो इसमें क्या है, एक मेज के ऊपर हमने कुछ लिए हैं, कागज के टुकड़े लिए हैं, जैसे लकड़ी ली है, घास के तिनके लिए हैं, कपड़े के टुकड़े लिए हैं, लोहे के कंचे, पत्थर के टुकड़े, चाक, मिट्टी, इस तरह की चीज़ें ली हैं, एक टेबल के ऊपर रख दी, और उसके ऊपर हमने 3 बार फूंक मारी, ऐसे फू फू फू, तो 3 बार हमने उस पर क्या लगाई, फूंक मारी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, क्या इस प्रक्रिया में वायु की गति में कोई प्रभाव होता है? तो हाँ होता है बच्चों, जब वायु किसी वस्तु से टकराती है तो उसकी गति कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या आगे है, जैसे क्या वस्तुएं हवा की दिशा में गति करती हैं? तो हाँ करती हैं, जिस दिशा में हवा चलती है ना उस दिशा में बहुत सारी वस्तुएं, हल्की वस्तुएं जो होती हैं वो गति करती हैं, जैसे धुआं है, धुआं हवा के साथ गति करता है, पत्ते हैं, पत्ते हवा के साथ उड़ जाते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हवा के साथ गति करती हैं। तो क्या यदि हम यदि गुब्बारे में हवा भरें तो क्या होगा, वो फूल जाएगा बच्चों, गुब्बारा फूल जाता है। और मेज पर रखी वस्तुओं को उड़ाने में कम क्रम में लिखनी है सारणी, यानी सबसे पहले कौन सी वस्तु उड़ी, जो सबसे हल्की चीज़ है कागज, फिर घास का तिनका उड़ा, फिर चाक का पाउडर है अगर या मिट्टी का पाउडर है तो वो उड़ा, फिर कपड़ा उड़ा, और फिर जो भारी वस्तुएं हैं जैसे लोहा है, कंचे
हैं, पत्थर हैं, तो वो तो फूंक से नहीं उड़ेंगे, तो इसलिए ये आप लिख लो, तो जो वस्तुएं उड़ी हैं बच्चों, ठीक है। जो पहली फूंक में उड़ गई उनका नाम पहले लिखेंगे, जो दूसरी में उड़ी उसका नाम, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो ये अध्याय था बच्चों, इसका कार्यपत्र थे दो, तो हमने कर लिए हैं, ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, थैंक यू।